Morning students, today we will be studying this is Jodi's phone. Let's start part 1. Jodi allowed his thoughts to drift back to the phone. Jodi ne apne thoughts ko allow kiya us phone ko sochne ke liye. He could not keep it out of his mind. Wo use apne dimag se bahar nahi reh sakta tha. He had held it in his dreams in his arms. Wo apne dreams mein इसे अपने आर्म्स में बाहों में ले रखा था. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. वह टेबल से उठकर अपने पापा के बेड के पास गया. पेनी ले एट रेस्ट. उनके पिताजी का नाम पेनी है. वो आराम कर रहे थे. हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर. उनके आइज खुले हुए थे, साफ थे. बट द पुपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. लेकिन उनके जो पुपिल्स थे आइज के, इसको ये पुपिल्स हुआ, इसको जो वो डार्क थे और डायलेटेड, यानी कि वो ऐसे लग रहा था जैसे वो थोड़े आंसू निकल रहे हों, गीले थे. जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा. जस्ट फाइन सन. जॉडी ने पूछा, पिताजी आप कैसे हैं. उन्होंने जवाब दिया, ठीक हो बेटे. ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर बट वॉज नॉट इट अ क्लोज सेफ. वह बताते हैं कि जो बुढ़ापे की जो मृत्यु है वो कहीं दूर चली गई है, लेकिन वाकई मैं बाल बाल बच गया. आई एग्री. मैंने भी हाँ में हाँ मिलाया. पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय. द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड. पिताजी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ. जो करना चाहिए था उस काम को तुमने समय पे किया. पा, यस सर. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन. पिताजी से वो पूछता है. वो कहते हैं, हाँ बेटे बताओ. कहते हैं, क्या अपने डो को और फोन को रिकलेक्ट किया, अर्थात जो उसको साथ मिलाया. आई कैन नेवर फॉरगेट देम. द पुअर डो सेव्ड मी दैट इज सर्टेन. पिताजी कहते हैं, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ. पुअर डो, बेचारे डो ने मेरे जीवन को बचाया, ये तो बात तय है. पा, द फोन मे बी आउट देयर इट. और वो कहता है जॉडी कि पिताजी फोन अभी तक वहीं होगा. इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड. वो अभी भूखा ही होगा और डरा हुआ भी होगा. हंग्री मीन्स भूखा एंड स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ. आई सपोज सो. पिताजी ने कहा, हाँ मैं भी ऐसा सोचता हूँ. पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. पिताजी मैं अब एक बड़ा लड़का हो गया हूँ, अब मुझे दूध पीने की कोई ज़रूरत नहीं है. वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन. मैं क्यों नहीं जाऊँ और जाकर फ़ोन को ज़रा देखाऊँ. एंड ब्रिंग इट हियर, और मिल जाए तो उसे यहाँ ले आऊँ. एंड रेजिट, और मैं उसका पालन पोषण करूँ. रेजिट मतलब उसका पालना पोषणा. पेनी ले क्वाइट. पिताजी शांत हो गए, स्टेयरिंग एट द सीलिंग, छत को देखने लगे. बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन. और कहते हैं, बेटे तुमने तो मुझे एक सिचुएशन में फंसा दिया. हैम्ड इन का मतलब कॉट इन ए सिचुएशन वेयर वन कैनॉट से नो. इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट. पा, और जॉडी आगे बोलता है, कहता है, पिताजी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बहुत मुश्किलें नहीं आएंगी इसके पालन पोषण में. यू विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स. वह शीघ्र ही लीव्स को, पत्तों को खाना शुरू कर देगा. और स्मॉल ब्राउन नट्स, एकॉर्न्स का मतलब होता है उसे, खाना शुरू कर देगा. यू आर स्मार्टर देन द बॉयज ऑफ योर एज. पिताजी उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, वाकई जॉडी तो अपने हम उम्र बच्चों से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो. वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम. और पिताजी कहते हैं कि हमने उसकी माँ को अपने इलाज के लिए मार्कर यूज़ किया है, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके बच्चे का लालन पालन करें ताकि हमें कोई ब्लेम ना कर सके. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाफ. सन, आई कैनॉट से नो टू यू. आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे. पिताजी भी उसकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटे तुम तो सही कह रहे हो कि हमें उस बच्चे को भूखा छोड़ना नहीं चाहिए, अब उसकी माँ भी नहीं है. आगे कहते हैं, कैन आई राइड बैक विथ मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट. कहते हैं, क्या मैं मिलविल के साथ जाऊं और जाकर देखूं. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. और पिताजी कहते हैं, ठीक है अपनी माँ को बता देना कि मैंने आपको परमिशन दी है. ही सीडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन. वह जाकर बगल के टेबल पे बैठ जाता है. हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरी वन. उसकी माँ सबके लिए कॉफ़ी बनाकर रेडी कर रही थी. ही सेड, माँ पासेस आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन. सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर. व्हाट फोन. माँ को जब ये कहते हैं जॉडी
कि माँ मैं जा रहा हूँ पापा के परमिशन से उस फ़ोन को लाने के लिए। वो कॉफ़ी को मिड एयर में ही रोक देती हैं और बोलती हैं, फ़ोन, व्हाट फ़ोन? द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो विकिल्ड। जोडी कहता है, वही फ़ोन जिसने, जिसके मदर को पिताजी ने मारा और अपना इलाज किया। वी यूज़ द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। और इसने बताया कि पॉइजन, तभी तो पॉइजन सांप का, रैटल स्नेक का बाइट तो ठीक हो पाया। सी गैस्पेड, वेल फॉर पिटी सेक, पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव इट टू स्टाफ। बोलते कि हाँ, उसने जीवन तो जरूर बचाया, लेकिन फिर ये बोल पड़ता है। जॉर्डी कहता है कि पा कहते हैं कि ये अनग्रेटफुल होगा कि किसी को जीवन को खराब होने दें, उसके बच्चे को भूख मरने दें। डॉक विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री, द बॉय राइट एंड द डैड इज राइट। डॉक विल्सन वहाँ पे एक नाम के सज्जन हैं, वो कहते हैं, हाँ मैम, ये जोड़ी बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, त्याग बलिदान करना पड़ता है। ये सही कह रहा है, इसके पिताजी भी सही कह रहे हैं। मिल विल सेड, ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मिल विल भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, ये मेरे साथ चल सकते, मैं इनके साथ चल सकता हूँ और इनकी मदद करूँगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। माँ तो माँ ही होती है बच्चों, माँ जो है वो असहाय रूप से कॉफ़ी के पॉट को नीचे रखती हैं। वेल, इफ़ यू सेल गिव इट टू योर मिल्क, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। वो कहती हैं, ठीक है, अगर तो अपने हिस्से का दूध देने के लिए उसे तैयार हो तो ठीक है, वरना उस दूध के अलावा हमारे पास और भी खिलाने पिलाने के लिए, उस फोन के लिए कुछ भी नहीं है। मिलविल सेड, कम ऑन, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मिलविल कहता है, चलो जॉर्डी, चलो अब चलें। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्जियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। माँ बैक्स्टर, माँ का नाम बैक्स्टर है, तो कहती हैं कि क्या तुम बहुत देर तो नहीं लगेगी। जॉर्डी सेड, आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। वो जॉर्डी कहता है, डिनर से पहले हम आ जाएंगे, मैं आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉर्डी अप बिहाइंड हिम। मिलविल अपने हॉर्स को तैनात करता है और जोडी को उस पर बैठाता है पीछे। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। जोडी मिलविल से कहता है कि आप सोचते हो फोन वहीं होगा अभी तक, क्या आप मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में? विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हाउ यू नो इट इज़ अ ही। वो कहता है कि हाँ हाँ अवश्य मदद करूँगा। तो जोडी बोलता है कि आपको कैसे पता कि वो ही फोन है, यानी कि मेल है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन ऑन ए डो फोन पासेज, द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे। और वो बताता है जॉर्डी, मुझे इस प्रकार से मालूम है कि वो एक मेल है, क्योंकि पिताजी कहते हैं कि जिसके जो स्पोर्ट्स अगर बिल्कुल लाइन में लगे हों तो वो समझ जाना कि वो फोन जो मेल होते हैं। पासेज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, इस तरह से वो मैं आइडेंटिफाई कर पाया हूँ कि वो दैट इज ही फोन। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक है बच्चों, व्हाट हैड हैपेंड टू जॉर्डीज फादर। जॉर्डीज के पिता को क्या हुआ था? तो जॉर्डीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक, ठीक है, रैटल स्नेक ने उन्हें काट लिया था। एंड ही किल्ड द मदर डो टू टेक द पॉइजन आउट ऑफ हिज बॉडी। और उन्हें मदर डो को किल किया था और जिससे कि पॉइजन से वो अपना सुरक्षा कर सके। हाउ डिड द डो से पेनीज लाइफ, डो ने पेनी के लाइफ को, अर्थात जॉर्डीज के फादर के लाइफ को किस प्रकार बचाया? तो जॉर्डीज के फादर को पता ही है, स्नेक, रैटल स्नेक हैड बिटन हिम एंड इट वाज द डो हु वाज किल्ड एंड फाइनली इट वाज क्रस्ट टू मेक जूस एंड दैट जूस वाज स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड वेयर द रैटल स्नेक हैड बिटन हिम। सो इन दिस वे द डो हेल्प पेनीज लाइफ टू सेव। सो व्हाई डज जॉर्डी वांट टू ब्रिंग द फोन होम। जॉर्डी फोन को अपने घर लाना क्यों चाहता था? जॉर्डी को ये पता था कि इसी फोन के मदर ने हमारे पिताजी की लाइफ को बचाया है। जॉर्डी न्यू दैट इट इज़ दिस फोन हुज मदर हैड ओनली सेव्ड हिज फादर्स लाइफ। एंड वो जानता था कि उसकी मदर अब नहीं है तो वो भूखा होगा, प्यासा होगा, कैसे वो रह पाएगा। जॉर्डी न्यू दैट हाउ कुड ही मैनेज टू स्पेंड हिज लाइफ सिंस ही हैज नो मदर, ही विल स्टार्व, वो भूखे मर जाएगा। दैट इज़ वाई थिंकिंग ऑल दिस, इसलिए बच्चों ऐसा सोचकर जॉर्डी ने डिसाइड किया कि फोन को वापस घर लाएं। दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू ब्रिंग फोन होम। हाउ डज जॉर्डी नो दैट द फोन इज ए मेल। जॉर्डी किस प्रकार जान पाता है कि फोन एक मेल है? तो बच्चों
आपने देखा कहानी के अंत में कि जॉर्डी के पिताजी ने उसे बताया था कि उसके स्पोर्ट्स अगर लाइन में है तो वो मेल है। जॉर्डीज फादर हैड टोल्ड जॉर्डीज दैट द स्पोर्ट्स व्हेन इट वुड बी इन ए लाइन ऑन एनी फॉन्ट यू मस्ट थिंक दैट इट इज़ अ मेल फॉन्ट। तो इस तरह से जॉर्डी को भी पता चल पाया। इन दिस वे जॉर्डी कुड आइडेंटिफाई दैट इट वॉज अ मेल फॉन्ट। अब पार्ट सेकेंड की बात करते हैं बच्चों। जॉर्डी गिव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फॉन्ट दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग। जॉर्डी अभी तक फॉन्ट के बारे में सोचता हुआ जा रहा है और वहाँ सुनसान इलाकों को पास करते हुए घोड़े पर सवार होकर वो मिलविल के साथ पीछे बैठकर जा रहा है। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। उसने मिलविल को बताया कि नॉर्थ की ओर मुड़ो। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक। और बताता है कि ये वो जगह स्थान है जहाँ पे पिताजी को रेडलेस स्नेक ने काटा था। एंड किल द डो आई सॉ द फॉन। और यहाँ पे उन्होंने डो को मारा था और मैंने यही फॉन को देखा था। सडनली जॉर्डी वॉज अनेबलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। अचानक से जॉर्डी को लगा कब मिलविल को आगे ले जाना ठीक नहीं होगा। इफ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड कुड नॉट हैव दैट डिसअपॉइंटमेंट सीन। उसने सोचा यदि फॉन मर गया होगा या वहाँ नहीं होगा तो जो मिलविल है मेरे साथ वो जा रहा है वो निराश हो जाएगा। उसको निराश नहीं करना चाहता था। एंड इफ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंडेवर टू शेयर इट। और वो सोचता है जॉर्डी यदि फॉन मिल भी जाता है तो वो उसको सीक्रेट को बना के रखेगा। वह इस खुशी को इस हैप्पीनेस को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। ये दो कारण थे जिस कारण वो चाहता है कि मिलविल उसके साथ नहीं जाए। ही सेड इट इज नॉट फार नाउ ब्लिट्ज क्लब इज वेरी थिक फॉर ए हॉर्स आई कैन मेक इट ऑन फूट। वह कहता है कि अब दूर नहीं है लेकिन फिर भी झाड़ियाँ इतनी ठीक है यहाँ से हॉर्स का पास करना मुश्किल होगा। मैं यहाँ से पैदल ही चला जाऊँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। मिलविल कहता है नहीं बेटे मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। यदि तुम खो गए या तुम्हें किसी सांप ने काट लिया तो मैं क्या करूँगा। आई विल टेक केयर इट माइट टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन। वो कहता है मैं अपना ध्यान खुद ही रख लूँगा शायद मुझे फ़ोन को ढूंढने में कुछ समय लग जाए अधिक समय लग सकता है। इफ़ इज़ वॉन्डर्ड लिव अप मी ऑल राइट हियर। वो कहता है कि अगर वो नहीं मिला तो फिर मैं यहीं पे वापस आ जाऊँगा तुम यहीं पे रहना। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ यू नो नॉर्थ हेयर एंड इस। मिलविल उसे कहता है ठीक है मैं ठीक हूँ मैं घबराऊँगा नहीं तुम भी मत घबराना ठीक से आ जाना। देखो नॉर्थ इधर है और ईस्ट इधर है। वो डायरेक्शन को दिखाता है। बच्चों मैप के अंदर नॉर्थ हमें पता है मैप के ऊपर होता है। जैसे भारत का अगर एग्जांपल लें इंडियाज मैप का एग्जांपल लें तो नॉर्थ ऊपर होता है साउथ नीचे केरल के पास एंड वेस्ट गुजरात रीजन में एंड ईस्ट अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से मैप को स्टडी हम करते हैं। देयर एंड देयर दैट टेल दैट टॉल पाइन मेक्स ए बियरिंग सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज। और इस तरह से वहाँ से उतर के वो आगे बढ़ता है और मिलविल को थैंक करते जाता है आगे। He waited for the sound of the hooves to end. वह खुर की आवाज़ को ख़त्म होने की इंतजार करता है। Then cut to the right. फिर वो राइट मुड़ जाता है। The spray was still. झाड़ियाँ अभी भी वहाँ बहुत थी। Only his own cracking of twigs sounded across the silence. जब वो पास कर रहा था तो उसके जो पैरों से आवाज़ हो रही थी झाड़ियों को हटाने में या झाड़ियों पर चढ़ के वो पास कर रहा था तो केवल उसी की आवाज़ थी और कहीं कोई आवाज़ दूसरी नहीं थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। वह जान रहा था भली बात ही कि अगर वो डायरेक्शन भटक जाए रास्ता भटक जाए तो उसे मुश्किल होगी। देन अ बजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। तभी एक बजार्ड जो कि एक लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर है जो कि फ्लेश वगैरह खाता है डेड एनिमल्स का वहाँ से फ्लैपिंग करते हुए हवा में उड़ता है। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। और जो जॉर्डी है वहाँ पे ओक्स के पेड़ के नीचे जहाँ पे साफ सुथरा जगह था आ जाता है। बजार्ड स्टार्ट इन सर्कल अराउंड द कैरकास ऑफ द डो। बजार्ड वहाँ पे डेड बॉडी जो कैरकास मतलब डेड बॉडी जो था डो का पड़ा हुआ था उसी के आसपास वो वहाँ पे आके मंडरा रहे थे बैठ रहे थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्टॉनी नेक्स एंड हिस्ट एट हिम। जब जॉर्डी वहाँ जा रहा था उनके पास वो हिसिंग साउंड निकाल रहे थे अर्थात वो नहीं चाहते थे कि जॉर्डी वहाँ आए और उनके वहाँ पे जो वो खाना खा रहे थे जो फीड कर रहे थे उसमें उनकी डिस्टर्बेंस कोई करे। ही थ्रू हिज बॉ एट देम। जॉर्डी के साथ बॉ था आटे का उसने लोई बना के ले गया था उसे वो फेंक देता है ताकि उसको वो खाएं। एंड देन फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। और फिर उसको वहाँ से उन बर्ड्स को बजार्ड को वहाँ से एडजेसेंट ट्री बगल वाले ट्री तक जाना पड़ता है।
द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स। सैंड पे कुछ निशान थे, लार्ज कैट प्रिंट्स थे जैसे टाइगर्स के या फिर आप कह सकते हैं पैंथर्स के, इस तरह के निशान थे। लेकिन जोडी जानता था कि जो बिग कैट्स हैं वो फ्रेश शिकार करते हैं, ठीक है, और इस तरह से वो उन्होंने शिकार कर किया होगा इस डो का और वहीं पे जो वर्ड्स हैं उसके लिए छोड़ दिया है। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। उसने ग्रास को अपने हाथ से सेपरेट किया, हटाया, पार्ट किया, अलग किया और देखा कि फॉन यहाँ कहीं तो नहीं। डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, द फॉन वॉज नॉट देयर। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड नो साइन। इन सब चीज़ करने के बाद वहाँ पे वो फॉन को नहीं देखा, वह आश्चर्यचकित है कहाँ चला गया फॉन। द बजार्स क्लियर देयर विंग्स, क्लैक देयर विंग्स। बजार्स ने अपने पंख फड़फड़ाए, इंपेशेंट टू रिटर्न टू बिजनेस, वापस अपने बिजनेस पे आने के लिए, अर्थात जहाँ वो फीड कर रहे थे डो पे, मरे हुए डो पे, वहाँ पे आने के लिए। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। वहाँ पे ही रिटर्न टू द स्पॉट, वापस वो आता है उसी स्थान पे वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड, जहाँ से फॉन उसको दिखा था, एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और जहाँ पे उसके चारों पैर के निशान थे। स्टडिंग द सैंड, वो सैंड को स्टडी करता है फॉर स्मॉल फुटप्रिंट्स, वहाँ पे छोटे छोटे खुर के निशान थे, इसे समझ जाता है कि कहीं ना कहीं यही फॉन है। द नाइट फ्रेंड हैड वॉश अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजार्स। वहाँ पे रात में जो बारिश हुई थी उससे वो शायद वो जो प्रिंट्स थे फुटप्रिंट्स वो सारे वॉश अवे हो गए थे, सिवाय वहाँ पे कुछ कैट्स के वहाँ पे निशान थे और बजार्स यानी कि जो वल्चर्स लाइक जो वर्ड्स हैं उनके निशान थे। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव चेक, देखते हैं स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन हैं। जॉर्डी डिड नॉट वांट मिलविल विथ हिम फॉर टू रीजन्स, व्हाट वर दे। जॉर्डी मिलविल को अपने साथ दो रीजन से नहीं ले जाना चाहता था, वे कौन कौन से रीजन हैं? तो आपको बताया था मैंने, पहला रीजन ये था कि वह चाहता था कि मिलविल निराश ना हो अगर उसे फ़ोन न मिले तो, पहला तो ये रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि अगर वो फ़ोन मिल भी गया तो उसके जो उससे उसके जो उसको खुशियाँ मिलेंगी, हैप्पीनेस मिलेंगे, वो उसको शेयर ना करे, उसको सीक्रेट बना के रखे। एंड फॉर दिस टू रीजन्स वो चाहता था कि उसके साथ मिलविल नहीं जाए। जॉर्डी ही डोंट वॉन्ट मिलविल विथ हिम फॉर टू रीजन्स, एंड द रीजन्स आर दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर द सैडनेस आफ्टर विच ही विल गो एंड ही वुड नॉट बी एबल टू फाइंड द फॉन। द सेकेंड रीजन इज दैट ही ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर द हैप्पीनेस विच ही वुड गेट आफ्टर फाइंडिंग द फॉन। फॉर दिस टू रीजन्स ही डिड नॉट वॉन्ट मिलविल विथ हिम टू गो। वॉट वर मिलविल अफ्रेड टू लीव जॉर्डी अलोन। मिलविल जॉर्डी को अकेले छोड़ने में क्यों डर रहा था? मिलविल जानता था कि ये जंगल खतरनाक है, यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, रेडल स्नेक रहते हैं जो कि जॉर्डी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो बींग एन एल्डरली पर्सन, एक सर्वेंट और एल्डरली पर्सन होने के नाते उसकी जिम्मेवारी थी कि वो रिस्पॉन्सिबल बने और जॉर्डी की हिफाजत करे, सुरक्षा करे, इसलिए वो चाहता था कि जॉर्डी अकेला ना जाए। अब मैं इसको इंग्लिश में बताता हूँ। मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉर्डी अलोन बिकॉज ही न्यू दैट इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर और प्रोटेक्ट जॉर्डी। ही न्यू दैट द जंगल वॉज फुल ऑफ वाइल्ड क्रिएचर्स एंड द स्नेक्स दैट कुड बाइट हिम टू। अब आते हैं पार्ट थ्री में बच्चों। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टंबल्ड बैकवर्ड। अचानक से मूवमेंट होती है बच्चों और वो स्टार्टल्ड यानी कि सरप्राइज हो जाता है और पीछे की ओर गिरने लगता है। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। फॉन अपने फेस को उठाता है आवाज़ करने के लिए। ही टर्न हिट्स हेड विथ अ वाइट। अपने हेड को टर्न करता है मोड़ते हुए, वंडरिंग मोशन, एंड सुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। और उसके आंखें जो थे मटमैले थे, साथ ही साथ लिक्विड थे अर्थात तरल दिख रहे थे। इट वॉज क्यूबरिंग। वह डर रहा था, कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। वह जरा भी एफर्ट नहीं कर पा रहा था उठने का और दौड़ने का। जॉर्डी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। जॉर्डी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने फोन है। ही विस्पर्ड इट्स मी। वो सोचता है अरे ये मैं हूँ जिसने कि इस फोन को डिस्कवर कर लिया। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। फोन ने दोस्ताने अंदाज में अपने नाक को ऊपर उठाता है और उसे सूंघने का प्रयास करता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक।
वो अपने एक हाथ को उठाता है और उसके सॉफ्ट नेक पे रखता है। द टच मेड हिम डिलायरस। जब वो टच करता है तो वो एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स। वो अपने पैरों पर अब खड़ा हो जाता है। अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। और उसके पास आके खड़ा हो जाता है। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज बॉडी। अ लाइट कन्वल्सन पास ओवर इट बट इट नॉट स्टे। जब उसके बॉडी पे अपने आर्म्स को रखता है तो वो काफ़ी शिवरिंग करने लगता है। अर्थात ये सब वो लगता है जैसे कि कोई मेरा प्रोटेक्टर आ गया है। उसे अच्छा सा फील होता है, लव एंड अफेक्शन सा फील होता है। स्ट्रॉक इट साइड एज जेंटली एज द फॉन वर चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट। और धीरे से उसे स्टॉक करता है ताकि उसको लगता है चाइना डियर यानी कि चीनी मिट्टी से बने हुए वो डियर ना हो, वो टूट ना जाए, यानी कि बड़े ही नाजुक ढंग से उसको वो उसको टच करता है फॉन को जोड़ी। इट वॉज स्लिक एंड क्लीन। वह दुबला पतला था, साफ सुथरा था। एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। और उससे घास हुई खुशबू आ रही थी। ही रोड स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड। वह उठा धीरे से और उस फॉन को भी अपने ग्राउंड से उठाता है, ऊपर करता है। इट्स लेग्स हंग इम्पली। उसके जो पैर लटक रहे थे देर वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू हॉइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल ऑन हिज आर्म। आप फोटो में देख सकते हैं, तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों, किस प्रकार से जोड़ी एक बच्चा है दूसरे फॉन को बच्चे को उठाकर अपने गोद में आगे बढ़ रहा है। झाड़ियों से भी उनसे बचाना है क्योंकि झाड़ियाँ इतने लंबे लंबे थे, थोड़ा सा ऊपर उठा के चलेगा तो फिर बात बन पाएगी। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ हिज मदर। जोड़ी को डर भी लग रहा था कि वो किक करेगा, पैरों को चलाएगा, ब्लीड करेगा, आवाज़ निकालेगा, अपने मदर को ढूंढेगा। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। और वो क्लियरिंग को साफ, ही स्कर्टेड द क्लियरिंग यानी कि जो जंगल के स्टब्स वगैरह थे उसको हटाते हुए, क्लियर करते हुए थिकेट से उसको आगे बढ़ता है। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद दिस बर्डन। और वाकई जोड़ी के लिए मुश्किल हो रही थी इसी इतने भारी फॉन को उठाना और साथ में जंगल वगैरह को भी साफ करना, हटाना, फिर वापस आगे जाना। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ ही फ्रीडम। फॉन के भी जहाँ तहाँ पैर झाड़ियों में अटक जा रहे थे और वह आज़ादी पूर्वक उन्हें ऊपर नहीं उठा पा रहा था। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। कई बार तो जो प्रिकलिंग वाइन्स से चुभने वाले जो कटीले पौधे थे उनसे वो बचाता हुआ अपने हेड को तो ऊपर कर लेता था। इट सेड बॉड विथ इट स्ट्राइड इट्स हर्ट थम्ड विद द मार्वेल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। बाकी उसका दिल धड़क रहा था, उसे लग रहा था कि जैसे जोड़ी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है एंड वो भी जोड़ी को एक्सेप्ट कर लिया है। ही रीच द ट्रेल एंड वॉक एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। जोड़ी उसे लेकर इंटरसेक्शन जहाँ पे रोड मिलता था घर के लिए वहाँ तक आता है, थोड़ा वहाँ रेस्ट करता है आके एंड फोन को भी नीचे रखता है उसके लड़खड़ाते हुए पैरों पर, डैंगलिंग लेग्स पर। इट वेवर्ड ऑन देम। वो लड़खड़ा जाता है। डुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। वह जोड़ी को देखता है और फिर से आवाज़ निकालता है। ब्लीट मतलब आवाज़ निकालना बच्चों। ही सेड एन्चेंटेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। कहता है जोड़ी रुक जाओ, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी ले चलता हूँ, जरा मुझे सांस ले लेने दो। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इफ इट हैड द फर्स्ट बीन कैरीड। ही स्टार्टेड अवे स्लोली। वह जानता था कि उसके पिताजी ने उसको बताया था कि अगर फॉन को आप एक बार गोद में ले लोगे तो आपसे दोस्ताना महसूस करेगा और फिर वो आपके पीछे पीछे ही आ सकता है। और वही हुआ, वो फॉन धीरे धीरे उसके पीछे अब चल दिया। द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉक अवे अगेन। वह जोड़ी के पीछे आता, रुकता और कई बार वहाँ से उछल के इधर उधर भी चला जाता। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टूवर्ड्स हिम एंड क्राइड पीटियसली। वह वॉबलिंग स्टेप्स लड़खड़ाते हुए कुछ पैर अपने जोड़ी की तरफ बढ़ाए और फिर चिल्लाता हुआ वो वहाँ पे रुक जाए। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। वाकई वो फॉलो उसका करना चाह रहा था। इट बिलोंग टू हिम। अब ये जो फोन था वो जॉडी का था। इट वॉज हिज ओन। अब ये उसी का फोन था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। अब वाकई इन चीज़ों को सोच सोच कर वो अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, नहीं कर रहा था, उसे खुशी का ठिकाना नहीं था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डली टू रन एंड रॉम विथ इट। वो चाहता था कि उसे नीचे रखे और ताकि वो उसके साथ दौड़े। टू कॉल इट टू कम टू हिम और उसे बुलाए। ही डेयर नॉट अलार्म इट। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स। फिर से उसे गोद में उठा लेता है। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक विदाउट हिज एफर्ट। अब उसे जोड़ी को लग रहा था कि बिना किसी अलग प्रयास के ही
उसे आराम से लेकर वो आगे बढ़ रहा है. ही आर्म्स बिगैन टू एच एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन. अब उसका आर्म से यानी कि बाहें दुखने लगी थी और वो बाध्य था रुकने के लिए. व्हेन ही वॉकड ऑन द फॉन्ट फॉलोड हिम एट वंस. जब वह थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वॉकिंग शुरू किया जॉर्डी ने, तो फॉन्ट ने उसका फॉलो किया. ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस देन पिक इट अप अगेन. थोड़ी देर तक उसे पैदल चलने की इजाज़त दी उसने, फिर उसे गोद में उठा लेता है. डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. ही वॉज विड विद स्वेट बट ए लाइट ब्रिजी ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग. वाकई जो डिस्टेंस था जंगल से लेकर घर तक बहुत ज़्यादा दूर नहीं था. चूँकि जून का महीना था, वो थोड़ा सा स्वेटिंग हो गई थी, पसीने से तर बतर हो गया था, लेकिन तभी एक ठंडी हवा बहती है और जून का मॉर्निंग था बच्चों, थोड़ा बहुत तरोताजगी महसूस करता है. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप. स्काई बिल्कुल साफ था, यानी कि सूर्य आसमान में चमक रहा था, बिल्कुल आसमान में बादल नहीं थे. ही केम टू द क्लियरिंग. इट वॉज अ फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन. जो क्लियरिंग से बाहर आता है तो देखता है कि बिल्कुल वो फ्रेश हो गए थे, ग्रीन हो गए थे, क्लियरिंग दिखाई दे रहे थे क्योंकि रात में बारिश हुई थी. ही फंबल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट. जो वहाँ पे लैच थे, जो वहाँ पे जो स्ट्रॉप्स वगैरह थे, उससे वो फंबल टकराता है और फिर वहाँ पे थोड़ी सी बॉबलिंग होती है, लड़खड़ा जाता है और वो अपने आप को मैनेज करता है और इस तरह से फ़ोन को वो नीचे ज़मीन पे रखता है. देन ही हैड एन आइडिया. ही वुड वॉक इनटू द हाउस. फिर जॉर्डी को एक आइडिया आया, अरे मैं तो आगे आगे वॉक करता हूँ, अब इसे वॉक करके ही घर ले जाऊँगा. इनटू स्पेनिश बेडरूम. और पिताजी के बेडरूम में ले जाऊँगा विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम. और वो सोचता है कि काश मैं इस फोन को वॉकिंग करते हुए पिताजी के बेडरूम में ले जाऊं तो पिताजी उसे शाबाशी देंगे. हर बच्चे को ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स बड़े खुश होंगे जब वो इस तरह के बहादुरी काम, अच्छा काम करेगा. बट एट दैट स्टेप द फोन वॉक एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम. लेकिन फोन चूंकि थक गया था, छोटा भी था, तो वो वॉक नहीं कर पा रहा था. पिक इट अप एंड वेंट टू हिज फादर पेनी ले विथ क्लोज आई. वह उसे उठा लेता है गोद में और जहाँ फादर उसके सोए हुए थे. उनके पिताजी का नाम पेनी है. जॉर्डी कॉल्ड पा लुक. जॉर्डी बोलता है पिताजी देखिए. पेनी टर्न्ड हिज हेड. पेनी ने अपने सिर को जॉर्डी की तरफ किया. जॉर्डी स्टूड बिसाइड हिम. जॉर्डी उसके पास में खड़ा था. द फोन क्लस हार्ड अगेंस्ट हिम. फोन को पकड़कर. इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स. अब पेनी को यह महसूस हो रहा था कि पेनी की जो जॉर्डी की जो आँखें हैं वो उस उतना ही ब्राइट है जितना कि फोन की आँखें हैं. ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम. वो कहते हैं शाबाश बेटे, मैं बहुत खुश हूँ जो तुमने इस फोन को ढूंढ निकाला. जॉर्डी देन वेंट टू द किचन. वह किचन में जाता है. द फोन वॉवर्ड आफ्टर हिम. फोन उसके पीछे पीछे चल देता है. अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ. किचन के सेफ पे वहाँ पे मिल्क रखा था. द क्रीम हैड राइजन ऑन इट. उस पर क्रीम जम चुका था. स्किम द क्रीम इन टू अ जग. उसने क्रीम को जग में हटाया. ही पॉर्ड मिल्क इन टू स्मॉल गार्ड. छोटे से बर्तन में उसे मिल्क को डाला. ही हेल्ड इट टू द फोन. उसे फोन को देता है. इट बटर इट सडनली. और फोन धीरे धीरे उसको पीना शुरू कर देता है. स्मेलिंग द मिल्क. उसे मिल्क को स्वाद लेते हुए, सूंघते हुए. ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर. और उसे वहाँ फैलने से रोकता है, मिल्क को फ्लोर पर गिरने से रोकता है. इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड. और वो गार्ड में उसे रखकर उसे पिलाता है इस तरह से. ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन्स सॉफ्ट स्वेट माउथ. अब जॉर्डी क्या करता है, देख रहा है कि जो फोन है अपने आप से ठीक से नहीं पी पा रहा है दूध, तो अपने फिंगर को उसमें डाल डाल के अब फोन के माउथ में उसको डालता है. इस तरह से उसे इट सक्ड ग्रेटली. और फोन जो है वो सक करके उसको पीता है. व्हेन ही विदड्रॉज देम ही ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम. और जब उसका मिल्क ख़त्म हो जाता है उसको उंगलियों में, तो वो ब्लीट करता, आवाज़ निकालता है और दूध के लिए वो एक तरह से मानो वो गुहार लगाता है. ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड हिज फोन सक्ड हिम एंड लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क. द फोन ब्लू एंड शक्ड एंड स्नॉटेड इट. इस तरह से बच्चों वो आप देख सकते हैं जॉर्डी ने कितने प्यार से उसे फोन को उंगलियों के माध्यम से उस दूध को उसको पिलाता है. स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूप्स इम्पेशेंटली. जब थोड़ी सी भी दूध की कमी हो जाती है उंगलियों में, तो वो इम्पेशेंटली अपने हुप्स को, पैरों को पटकता है. एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो डिलीवर द मिल्क द फोन वॉज कंटेंट. उसके जब तक वो संतुष्ट फोन तब तक कंटेंट यानी कि संतुष्ट रहता है जब तक उसके फिंगर्स दूध से लगा हुआ फिंगर उसके मुंह में होता है. इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली. इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड. जॉर्डी को वाकई बहुत मज़ा आ रहा था
जब उसके वो जीव को छू रहा था। स्मॉल टेल फ्लिक बैक एंड फोर्थ, उसके छोटे से पूछ बैक एंड फोर्थ आगे पीछे हो रहे थे। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्वर्ल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, जो उसमें जो मिल्क का जो अंतिम जो भाग था, अंतिम हिस्सा भी था, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। इस तरह से बच्चों मैरजोरी केनन रॉलिंस के द्वारा जो लिखी गई कहानी दिस इज जॉर्डी फॉर्म समाप्त हुआ। आइए इसके कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड जॉर्डी ब्रिंग द फॉर्म बैक होम, जॉर्डी किस प्रकार से फॉर्म को अपने घर लाता है। तो आपने देखा कि जॉर्डी एकॉम्पनीड विद द मिलविल, जॉर्डी मिलविल के साथ जंगल में जाता है एंड देयर ही स्टॉप्स, देयर ही आस्क द मिलविल टू स्टॉप फॉर ए वाइल, मिलविल को वहाँ रुकने के लिए कहता है और कहता है आप घर चले जाओ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ उस फॉर्म को ढूंढने के लिए। तो मिलविल उसे मना भी करता है कि हाउ कैन यू मैनेज बींग ए स्मॉल चाइल्ड इन दिस जंगल टू फाइंड द फॉर्म, फिर भी वो कहता है नहीं, जो वो अकेले ही जाके ढूंढेगा। इसके दो कारण थे, मैंने आपको पहले बताए हैं। और वो जाता है, वो किस प्रकार से जाता है जहाँ पे डो मरी होती है और वहाँ पे जो कुछ वल्चर्स लाइक बर्ड्स जो उस पर फीड कर रहे होते हैं, तो उनको वो बो देता है, आटा का वो देता है और वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। फिर वहाँ से जॉर्डी आसपास ढूंढता है एंड झाड़ियों में देखता है और उसे फिर फॉर्म वहाँ मिल जाता है। एंड आफ्टर दैट उसे कई बार उसे परेशानी भी होती है, उसे अपने कंधों पे भी उठाता है, अपने बाहों में भी उठाता है, कई बार उसे पैदल भी ला अपने पीछे बुलाता है, फॉलो अप करवाता है और धीरे धीरे करके वो अपने घर तक उसको लाता है। जॉर्डी वॉज फिल्ड विथ इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फॉर्म, कैन यू फाइंड एट लीस्ट थ्री वर्ड्स और फ्रेजेस विल शो हाउ ही फेल्ट, ये लेसन में आपको मिल जाएगा। हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गार्ड, डियर ने किस तरह से मिल्क को ड्रिंक किया। तो आपको पता ही है डियर तो अनेबल था मिल्क को ड्रिंक करने के लिए, बट जॉर्डी ने उसको असिस्ट किया, मदद किया। अपने फिंगर्स को पहले उसने डिप किया जहाँ गॉड था उसमें, मिल्क था उसमें, एंड फिर उस फिंगर्स को उसके मुंह में रखता था एंड उस तरह से वो शक करता था एंड इसमें वो मिल्क को ड्रिंक किया। व्हाई डिड नॉट द फॉन फॉलो जॉर्डी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड, चूँकि वो इतना थक गया था, फॉन भी छोटा सा था, कई दिनों से खाया पिया नहीं था, भूखा था, थक गया था चलते चलते भी, तो इसलिए वो उसको फॉलो अप नहीं कर पाया और फिर जॉर्डी को उसे उठाना पड़ा और फिर उठाकर वो अपने गोद में पापा के पास, पापा के कमरे में ले गया। तो बच्चों इस तरह से आपकी लेसन समाप्त हो गई। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।